हाँ जी सारे ना की हाल चाल है, होप तुसी सारे ठीक होवोंगे। तो जैसे कि आईफोन 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 हो रहा है, आईफोन 15 असल में एक्चुअल में ये आईफोन का जो है ना पंगा, ये बड़े टाइम से स्टार्ट हुआ है। बड़े टाइम से पता था ना आपको, एक बार जब इसने लिया था है ना, तब भी ये रट्टा थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन बेचारा तब अपनी एक साइड पे पैसे खर्च चुका था, तो फिर बहन को कैसे लेके देता है ना, एकदम से इतना अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो किसी ने मुझे कमेंट किया हंसते हंसते कि है ना, तो वही क्या करें, जब आप लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इतना बोलना पड़ता है, सामने कोई नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो एक इंसान का वो तकिया कलाम कह दो, हमारे यहाँ टिक बोल देते हैं हम, जो चीज़ बार बार बंदा रिपीटली बोलता है। तो मेरा ये है कि मैं बार बार जब बात करती हूँ तो है ना बोलती हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने मजाक में किया या वैसे टॉन्ट किया, आई डोंट केयर, मैं करती हूँ है ना, आदत है मेरी। तो बात करते हैं आईफोन की, है ना। तो इस बंदे ने बोला कि मैं तो प्रेफर करता हूँ 10-15 हज़ार का फ़ोन हो बस, लेकिन वो क्या है ना कि काम के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल वर्क के लिए, इन सब वर्क के लिए ना ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है। भाई बैंक में काम करना, ऑफिशियल वर्क सारा उनके जो भी है, लैपटॉप्स हैं जो भी हैं वहाँ पे, कंप्यूटर्स हैं उन पे होता है। इसका ऑफिशियल वर्क कौन सा है भाई, जो फ़ोन पे होता है कि आईफोन पे होता है? भाई मेरी बात सुनो, अब जिनका बैंक में जो काम करते हैं ना, आईफोन के बिना नहीं रह सकते, फिर तो सबको आईफोन चाहिए, फिर तो पंकू को भी आईफोन चाहिए, वो भी तो बैंक में ही काम करता है। अब मैं आपको यहाँ पे फ़र्क बताऊँगी, एक राज की बात, बहन ने आईफोन लेना है तो बड़ी सारी उसकी फेवर में बातें आ जाएगी कि हाँ भाई उसको ज़रूरत थी, भाई मरे जा रही थी, आईफोन के बिना चैन नहीं पड़ रहा था, आईफोन के बिना काम नहीं चल रहा था, आईफोन के बिना ये नहीं हो रहा था, आईफोन के बिना वो नहीं हो रहा था। मतलब अपना कोई भी खर्चा है ना, उसको पॉजिटिविटी के साथ दिखाना है, चाहे कैसे भी झूठ सच बोल के दिखाएं। मानते हैं एक आईफोन की एक व्लॉगर को ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उसके लिए व्लॉग बनाना आसान हो जाता है, एडिट करना आसान हो जाता है, अपलोड करना आसान हो जाता है, ये बात मानते हैं है ना। लेकिन बाकी भी क्या ज़रूरत है क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देने की? शौक है, दैट्स इट। शौक है लोगों का, इंसान है, लोगों का शौक है, और जेब आपकी इजाज़त देती है तो आप अपने शौक पूरे करते, इसमें क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है? मैं तो व्लॉगर भी नहीं हूँ, मैं हर दूसरे साल आईफोन लेती हूँ, लेकिन अपने पैसे से, किसी के पैसे से नहीं, अपने पैसे से, है ना। अभी 14 है, 15 का इरादा नहीं है, नेक्स्ट आएगा ना वो लेंगे। मतलब कि अपने अकॉर्डिंग अपना शौक है, मैं नहीं करती हूँ व्लॉगिंग, मेरा कोई ऑफिशियल काम भी नहीं है मेरे फ़ोन पे, बट आदत है, आईफोन यूज़ करते हैं 6-7 सालों से, उसी की आदत पड़ी हुई है। सीधा बोलो, दिल है, शौक है, ले लिया, लेकिन नहीं, बहन का ऑफिशियल वर्क है, उसको ज़रूरत है। अरे भाई, अब मैं इतना क्यों इन बातों पर जोर दे रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आपको याद होगा जब प्रीति ससुराल में थी तो उसने भी आईफोन लिया था। आप लोग सोचोगे एक व्लॉगर आईफोन लेता है ना, इनबॉक्सिंग होती है, ये होता है, वो होता है ना, लेकिन जब प्रीति ने आईफोन लिया था ना, तो इनके घर में मातम छा गया था, मातम का माहौल, माँ का भी मुंह टेढ़ा, इस भंकू भिखारी का भी मुंह टेढ़ा, उधर कंचन लोमड़ी का भी मुंह टेढ़ा है। और भाई बंदी ने अपनी कमाई से, अपने अकाउंट से फ़ोन लिया, ये भंकू की तो इतनी औकात नहीं, मैंने पहले ही बताया कि आज तक इस ठेंगू ने तो उसको ठेंगा भी गिफ्ट में नहीं दिया, शादी हुई थी, वरना जो कुछ दिया है ना, लोग पता नहीं क्या कहते हैं कि क्या उसको बोलते हैं, पता नहीं क्या इसे ठेंगू में देखते हैं, आज से इसका नाम ठेंगू भिखारी रखते हैं, भंकू ठेंगू भिखारी कितने नाम हो गए ना। इस ठेंगू ने आज तक उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि जो कुछ जितना भी कुछ बनाया उस बेचारी ने बनाया, सब कुछ इसको दिया, गाड़ी इसको दी, अपना आईफोन पुराना तक इसके पास छोड़ रखा है ना, सब कुछ खा गए उसका ये भिखारी। और जब उसने अपनी मेहनत से आईफोन लिया था ना, तो भाई इन सबको ना वो पड़ गई थी, नहीं वो थोड़ा गलत हो जाएगा अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो, है ना, पंजाबी में बोल देते ना, मौत पड़ गई थी नहीं बोलूँगी मैं, ऐसा नहीं बोलूँगी, इन सबको हल्के कुत्ते ने काट लिया था, है ना, सभी एडमिट हो गए थे अपने अपने उसमें डिप्रेशन जोन में किसने आईफोन ले लिया। और उस बेचारी के आईफोन पे इतना मातम कि आप मानोगे नहीं, उसने अपना ये दुख किसी के साथ शेयर किया था
गली में उसी आंटी ने हमको बताया कि उसने बोला कि उसने खोला ही नहीं फ़ोन। उस बेचारी ने 8-10 दिन क्या 15-20 दिन उसने फ़ोन लेकर उसको पैक ही रहने दिया, उसको खोला ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया कि भाई ये सब तो मतलब कि ऐसा लगता है कि कोई मातम छा गया घर पे है। और फिर उसको टोंट शुरू कर दी माँ ने, है ना, माँ ने इन्ने महंगे महंगे शौक ने, इदा दे शौक की करने, इन्ने महंगे महंगे शौक। अब अपनी बेटी का शौक नहीं महंगा लग रहा आंटी, सन की आंटी, अब आपको आपकी बेटी का शौक नहीं महंगा लगता? वो कौन सा ऐसा काम करती है जो उसको आईफोन की ज़रूरत है? बहू तो ब्लॉगिंग करती थी, उसको तो ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत तो साफ नज़र आती थी, लेकिन तुम्हारी बेटी कौन सा ऐसा काम करती है जिसको आईफोन की ज़रूरत है? मतलब कि राय देखो कैसे बदलती है। वही एक इंसान है, लेकिन वो इंसान क्या है, एक की माँ है और दूसरी की सास है, उसी एक इंसान की दो राय। भाई आपका दिमाग दुरुस्त है क्या? फिर तो आपका दिमाग ही दुरुस्त नहीं है। बेटी के लिए आपकी राय और बहू के लिए और, शुरू से यही राय, ज़माने में होता ही ये है। हमेशा जो ओल्ड फैशन लेडीज होती है ना, उनकी बेटी के लिए राय अलग होती है, अपनी बेटी के लिए हर खुशी नज़र आती है, लेकिन बहू के लिए नहीं। बहू को चाहती हैं कि 20-25 साल की जो बहू है हमारी, वो 50 साल की औरत जितनी समझदारी दिखाए और अपने शौक शौक सारे त्याग दे, है ना, अपने शौक सारे एक डब्बे में बंद करके उनको ताला लगा के रख दे कि उसके कोई शौक नहीं है, शादी हो गई, शौक मर गए। लेकिन वहीं बेटी चाहे 30 साल की हो जाए, चाहे 35 साल की हो जाए, बेटी के अभी भी जवानों जैसे शौक नज़र आते हैं। नहीं जी, बेटी तो हमारी अभी बच्ची है, उसकी तो सारी ज़िंदगी पड़ी, उसके तो शौक है ना। बेटी 50 साल की भी हो जाए तो वो 20-25 की लगती है कि नहीं अभी तो नई नई शादी हुई, अभी नए नए इसके शौक है। और वहीं बहू ना, बहू का कोई शौक नहीं है। बहू से हम यही उपेक्षा करते हैं कि अपनी 50-60 साल की जो सास है ना, उसके जितनी अकल उसको दिनों में ही आ जाए, 4 दिन में अपनी सास जितनी सियानी हो जाए। सास ने 30-40 साल धक्के खाए हैं शादी में, बच्चे पैदा करके बड़े किए हैं, तब जाके उसको इतनी अकल आई। जब सास नई नई ब्याही आई थी, कौन सा वो अकल दहेज में लेके आई थी, उसने भी परिवार में रह के कुछ साल गुजार के अपनी अकल, बुढ़ों वाली अकल कमाई है कि 20 साल की उम्र में उसके पास 50-60 साल की जितनी अकल थी। ये झूठ है, जितनी भी सासें ऐसा बोलती हैं ना, औरतें जितनी भी ऐसा बोलती हैं, झूठ है। अकल तजर्बा उम्र के साथ आता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका तजुर्बा अकल सब बढ़ते जाते हैं। और कुछ लोग जो छोटी उम्र में धक्के ज़्यादा खा लेते हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा हो जाता है। तो ये इनकी दो राय है। अब माँ नहीं कुछ कहेगी, अब माँ बड़ी खुश है कि मेरी बेटी ने आईफोन ले लिया, वाह उसकी ओपनिंग होगी, वो रसोई वाले चैनल पे उसकी ओपनिंग होगी, अच्छा सा व्लॉग बनाया जाएगा। लेकिन जब बहू ने लिया था तो मातम छा गया था। और यही बंदा प्रीति को तब रोज़ टॉन्ट मारता था, इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, दोनों लैपटॉप यूज़ तो कर रहे थे, क्या करना था, इतना पैसा लगा के रख दिया, वही पैसा बंदा सेव करता है, ये करता है, वो करता है, जैसे आपको इसकी आदत का पता ही है, है ना। बड़ी समझदारी फिर प्रीति को बांटी गई, बड़ा अकल बांटा। क्यों? दुख इस बात का हो रहा था कि भाई वो पैसा जो मेरी बीवी ने लगा दिया आईफोन पे, मेरी पत्नी ने, वो पैसा तो मेरी जेब में जाना चाहिए था, वो पैसा तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए था। बस इसी बात की तकलीफ ने इतनी 15-20 दिन मातम को बेचारी को फ़ोन लिए कि खुशी तो क्या हुई होगी, दुखी हुआ होगा कि ये कैसे इंसान है, बस पैसा 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 चाहते हैं कि हमको ही दे दे सब कुछ, हमारी झोली में डाल दे, है ना। और बहन के लिए क्या बोल रहा है ये बंदा, हाँ भाई चलो कमाते हैं, शौक भी पूरे करने, तो बीवी ने, बीवी को कौन सा तूने अपनी जेब से दिया था, बीवी तो कमाती है, बीवी कमाती क्या, बीवी ने तो तुझे कमाने लगा दिया है, बीवी का दिया खा रहा है आज तक तू। और बहन को भी आईफोन तो बीवी की वजह से ही है, तेरी बीवी के पैसों का ही आईफोन तेरी बहन ले रही है, प्रीति के पैसों का ही आईफोन है जो तू अपनी बहन लोमड़ी को लेके दे रहा है, वही भीख चल रही है, भीख ही खाओगे सारी ज़िंदगी तुम लोग, है ना। और क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पे, अब इसका दिमाग बताऊं, ये बंदा क्या बोलता है कि मैं तो बड़ी अकल से चलता हूं, मैं तो बड़ी समझदारी से चलता हूं, मैं तो बड़ी प्लानिंग के साथ चलता हूं। तो इसकी प्लानिंग मैं आपको बता दूं, क्या खाक की प्लानिंग है इसकी, ये भंखू भिखारी, ये ठेंगू अपने आप को पता नहीं क्या समझता है टिड्डू सा, कि मैं बड़ा ओवर क्लेवर हूं, मैं बड़ी प्लानिंग के साथ चलता हूं। इसकी प्लानिंग मैं बता देती हूं, वेस्टेज ऑफ मनी इसकी प्लानिंग मैं आपको बताती हूं। सबसे पहली सुनते जाना, अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की इसने व्लॉगिंग के चक्कर में, क्यों, कंट्रोवर्सी कर करके जो पैसे कमाए हैं कहीं तो लगाने थे, इसने लैपटॉप लिया इस बंदे ने, है ना, लैपटॉप लिया, फिर 4 दिन घूमा, फिर व्लॉगिंग ना हुआ, बिजनेस इतना तेरा है, बीवी के सर पे तू खा रहा है, बीवी के साथ कंट्रोवर्सी करके तुझे 4 व्यूज़ आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है तो तेरे व्यूज़ उड़ जाते हैं, है ना। इस बंदे ने फिर क्या लिया, फिर इसने लैपटॉप लिए तो अभी कुछ टाइम नहीं हुआ था, कैमरा लिया, वो GoPro का कौन सा इसने लिया था, हाँ वो लिया, है ना,
उसमें शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी इसकी, उसमें इसकी असलियत नज़र आती थी, किसी सड़ी घिसी पिटी सी इसकी शक्ल है वो नज़र आती थी, काले काले ब्लॉग है ना, रियलिटी नज़र आती थी सारी। तो वो इसने कुछ देर यूज़ किया, वो इसको पसंद नहीं है। दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ना तो लैपटॉप ईजिली आता है ना तो GoPro ईजिली आता है, दो बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। फिर चार दिन धक्के खाए, फिर व्लॉगिंग के नाम पे ज़रूरत है व्लॉगिंग करता हूँ, ज़रूरत है व्लॉगिंग करता हूँ, ज़रूरत है। फिर इसने लिया आईफोन। तीन बड़ी इन्वेस्टमेंट, तीन बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बंदा कहता क्या है, मैं बड़ी प्लानिंग के साथ चलता हूँ, मैं बड़ी समझदारी से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं वो ये तो ये ठीक हूँ मैं, गए तेरे पैसे। तू क्या तीनों चीज़ें अभी यूज़ करता है, लैपटॉप GoPro आईफोन तीनों इकट्ठी यूज़ करता है? समझदारी वो होती अगर तो शुरुआत में ही लैपटॉप भी ना लेता, GoPro भी ना लेता, सीधा आईफोन ले लेता, जो भी लेटेस्ट आया था है ना वो ले लेता। अब तो ये 15 तो और भी, 15 प्रो मैक्स तो और भी एडवांस्ड आ गया, आई थिंक 1 TB 2 TB में भी आया है ना, मेमोरी इतनी ज़्यादा उसकी आ गई है कि आप ईजिली उस पर सब कुछ मैनेज कर सकते हो, है ना। ये तूने इन्वेस्टमेंट ना की होती तब आईफोन लिया था, तब मानते तुझको कि तूने बड़ा सोच समझ के तूने एक चीज़ पे इन्वेस्टमेंट किया जो तेरे लॉन्ग टाइम काम आएगी, 2 साल तो आएगी है ना। हमारे यहाँ तो चलो लोगों को शौक है हर साल ही आईफोन बदलते हैं, हर साल मॉडल चेंज कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे होते हैं कि हर साल आप अपना आईफोन चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको सिर्फ थोड़ी सी पेमेंट करनी पड़ती है और हर साल आप अपना नया मॉडल ले सकते हो हर साल, है ना। लेकिन चलो इंडिया में पॉसिबल नहीं है तो बंदा 2 साल तो निकालता ही है एक आईफोन से, है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट तो एक जगह सोच समझ के करता तब तो उसको मानते हैं हाँ भाई बंदे के पास ब्रेन है, स्वा का ब्रेन है। तीन बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, करने के बाद हार के लिया क्या, लेना तो आईफोन ही था इसको, तो फिर उधर इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब है। और यही अगर ये डिसीजन प्रीति ने लिया होता ना, ऐसी इन्वेस्टमेंट एक दो बार प्रीति ने की होती तो भाई उसको तो ये नोच के खा जाते माँ बेटा, माँ बेटा उसको नोच के खा जाते कि हाँ पैसे ख़राब करती है, पहला उहदा स्यापा किया, पहला लैपटॉप स्यापा किया, फिर GoPro का स्यापा किया, फिर आईफोन लिया। बेटे को पता नहीं बोलती होगी कि नहीं एक आईफोन उस बेचारी ने लिया था तो उसको दिन रात ताने मैंने उसको ये बताया था हाँ भाई तुम ले सकते हो, हाँ भाई तुम्हारे शौक बड़े बड़े हैं, हाँ भाई ऐसे उसको बोला करता था। अब खुद बोल रहा है कि मुझे तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा फ़ोन पसंद ही नहीं है, लिया तूने आईफोन है, लिया तूने आईफोन है, उससे पहले तूने और दो बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद तूने इन्वेस्टमेंट अपनी गाड़ी में भी की है, गाड़ी की भी तुझे इतनी जल्दी आग लगी थी कि हाँ भाई वो गाड़ी उसकी मैंने क्या बोलते हैं इंडिया में क्या पे करते EMI, वो मैंने पे नहीं करनी, वो मेरी बीवी पे करे लेकिन चलाऊंगा मैं, फिर भी बीवी के पैसे पे ऐश करना चाहता था, फिर भी चाहता था कि गाड़ी ना मुझसे ले, गाड़ी मैं चलाऊँ, EMI पे करती रहे। भाई तेरे को शौक था तो उसी की करता रहता पे तू, लेकिन नहीं, फिर क्या वो भी ईगो में आके ली, क्या वो वाइफ अपनी गाड़ी ले गई है तो मुझे ईगो में आके उसको दिखाना है कि मैं भी नहीं ले सकता हूँ, फिर वो इसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, है ना भाई। किसके सर पे, जो वाइफ ने यूट्यूब दिया है, जो यूट्यूब का बिजनेस वाइफ ने दिया है भीख में इन भिखारियों को, उसी के सर पे इतना कुछ हो रहा है। मान लो LIC के एजेंट था ना ये, है ना ये वहीं काम करता, क्या कमाता है 4-5 हज़ार, पाँच में तो 10 हज़ार भी, आजकल तो 40-50 हज़ार कमाने वाले का कुछ नहीं बनता। क्या LIC के बेसिस पे वो जो 5-10 हज़ार कमाता है उन बेसिस पे ये इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता था? कभी भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा मर जाता ना, क्या उसको कहते हैं अपनी एड़ियाँ घिस घिस के भी मर जाता तब भी नहीं कर सकता था, गाड़ी तो ले ही नहीं सकता था। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जो वाइफ ने भीख में दिया है ना यूट्यूब का चैनल बिजनेस, उसकी वजह से कर पाया इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लाखों की गाड़ी, लाखों के कैमरे, आईफोन, सब कुछ किस वजह से हो रहा है? बीवी के दिए हुए यूट्यूब से। इसके जो 20-25 वो डॉग एंड बिचेस भौंकते हैं ना, वो पता क्या बोलते हैं कि जो अंकुश है ना ये तो LIC का काम करके बहुत कमा सकता है। भाई बताना ज़रा कितना का कमा सकता है, हैं? अब तक भी ये शो कर दे कि भाई ये 10 हज़ार पर मंथ से ज़्यादा कमाता है तो मैं मान जाऊँगी, हो ही नहीं सकता। ये लगा लो तुम, शर्त लगा लो मुझसे, हो ही नहीं सकता कि 10,000 तक LIC से कमाता होगा। जितनी ये बातें आ रही हैं ये सारी कमाई भीख की कमाई है, प्रीति की दुई हुई भीख खा रहे हैं ये। और इनके घर का सब कुछ बना है, पॉसिबल सब कुछ हुआ, सब कुछ घर का सामान तो प्रीति बना गई है, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है यूट्यूब के सर पे कर रहा है, गाड़ी में याशियां कर रहा है यूट्यूब के सर पे कर रहा है। क्यों? वही यूट्यूब जो बीवी ने भीख में दिया इसको, बोलती ना उसका घूम खा रहा है, और खा रहा है, सच में खा रहा है। सारी ज़िंदगी इस पर यूट्यूब की कमाई, सारी ज़िंदगी इस पर लानत है कि इसकी बीवी की दी हुई है।
और उसी के साथ कंट्रोवर्सी कर करके व्यूज़ ले रहे हैं। सादे व्लॉग बनाओ तो इसको पता चल जाए अपनी रियल औकात, अपना रियल लेवल और औकात इसको पता चल जाए कितनी है। और फिर क्या होता है डिस्कस कि यूट्यूब बंद हो गया ना, यूट्यूब बंद हो गया प्रीति तो भूखी मर जाएगी, यूट्यूब बंद होगा प्रीति तो भूखी मर जाएगी। भाई ठंड रखो, ठंड रखो, तुम लोग कौन होते हो किसी को भूखा मारने वाला। दाना पानी होता है ना, जो दाना पानी लेखा जोखा, वो ऊपर वाले ने लिखा है। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जिसकी जो किस्मत है ना, जिसकी जो किस्मत है उसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। आप क्या होता है ना कि आप झुग्गी में भी बैठे हो ना, अगर ऊपर वाले ने आपकी किस्मत चमकानी है ना तो झुग्गी में बैठे बैठे चमक जाएगी। और ये रियलिटी है, एक लड़की की रियल कहानी है। अभी हाल ही में एक मेकअप ब्रांड है, उसने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली एक आई थिंक 15 या 16 ईयर्स की लड़की है, उसको एज आ मॉडल अपनी मेकअप ब्रांड का एज आ मॉडल प्रेजेंट किया उसको, और रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। बड़े बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड है, जब वहाँ लोग मेकअप लेने जाते हैं हर एक चीज़ पे उस बच्ची की, उस वो बच्ची मॉडल है, वो उसको यकीन नहीं आता कि उसकी फ़ोटो लगी है शोरूम्स के बाहर इतनी बड़ी बड़ी। और झुग्गी से महलों में पहुँच गई रातों रात, महलों में मीन्स अच्छा घर, अच्छा रहना, खाना होना, उसकी उसकी ज़िंदगी बन गई। तो ये क्या लिखने वाला कौन, ऊपर वाला, तुम लोग कौन होते, तुम लोग कौन होते। देने वाला निवाले पे ऊपर वाले ने नाम लिखा है। और हमको, मैं बता दूं, प्रीति का यूट्यूब बंद हो जाए ना, प्रीति के भाई बहन माँ है उसको रोटी देने के लिए संभालने, वो अपने गुर्दों में वो इतना दम रखते हैं कि अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बेटी के बेटे को भी पाल सकते हैं, ये मैं तुमको बता दूँ, लिख के ले लो। और अगर यूट्यूब बंद हो जाए ना, यूट्यूब बंद हो जाए, प्रीति को प्रीति पल जाएगी, प्रीति का बच्चा भी पल जाएगा, है ना, लेकिन भंकू से अपनी माँ नहीं पलेगी, ये तुम मुझसे लिखा के ले लो। भंकू अपनी माँ और बहन को नहीं पाल पाएगा अगर यूट्यूब बंद हो गई तो। हाँ ये तुम लिखा लो मुझसे, ज़्यादा सियानी बनती हो ना, बड़ी ओवर क्लेवर बनती हो। यहाँ पर ना तो कोई लॉजिक चलेगा, ना कोई अर्थ व्यर्थ चलेगा, कहते हैं ना इसका ये अर्थ, इसका स्पष्टीकरण दो, ये दो, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगी ऊपर वाले की मर्जी। तो ऊपर वाले ने उसकी फैमिली को, प्रीति की फैमिली को इतना कैपेबल बनाया है कि वो अपनी बेटी और उसके बेटे को पाल सकते हैं। भाई भी इतना कैपेबल है, भाई भी इतना कैपेबल है, यूट्यूब पे बिल्कुल 100% वो डिपेंडेंट नहीं है यूट्यूब पे, उसके हाथों में अपने गुण हैं, वो और भी बहुत काम करता है। उसने तो कहा कि उसको तो ड्राइविंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो, ड्राइविंग भी कर लेता, और भी बहुत हुनर है उसके पास भी, वो क्यों उसका यूट्यूब के साथ इतना, वो कहते हैं ना इतना कनेक्शन है ही नहीं, अपनी सिंपल ब्लॉगिंग करता है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, और फिर भी वो गुर्दा रखता है कि अपनी बहन को पाल सकता है अगर यूट्यूब बंद हो जाए। और उसकी माँ भी इतनी हिम्मत रखती है कि आराम से अपना अपना घर चला सकती है, लेकिन इधर प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर क्या होगा, यूट्यूब बंद हुई, लाले पड़ गए, LIC में धक्के खाने पड़ेंगे, फिर अपनी EMI तारनी, EMI बोलते हैं पता नहीं मुझे तो, क्या बोलते हैं यार, जो भी चीज़ें ऐसे बनाते हैं, जैसे इसने गाड़ी ली है, पर मंथ पे करता है, और पता नहीं क्या क्या होगा जो पे करता, कुछ भी नहीं है बाकी, सब कुछ तो ये प्रीति के घर में बनाया हुआ है, नकदों नकद ली हुई उसने हर एक चीज़, कोई भी ऐसे नहीं है कि मंथली पे करना पड़ता होगा, है ना। तो इसको लाले पड़ जाएंगे, फिर तो ये रोएगा, माँ की बीमारी, माँ की दवाइयाँ, फिर बहन से भीख मांगेगा, और फिर बहन क्या करेगी, बहन 4-5 हज़ार रुपया पर मंथ दिया करेगी, और फिर इसको फिर वही बोला करेगी कि तू तो मेरी जुत्ती के बराबर बनी, आ गया कि नहीं मेरी जुत्ती के थल्ले, तू पहला भी मेरी जुत्ती के बराबर बनी सी, तो हूँ भी तू मेरी जुत्ती के थल्ले, फिर ये इसको सुनने को मिला करेगा। तो भाई ये है बहुत बड़े राज की बात जो आपको बतानी थी, कि ये होता है फ़र्क सोच सोच का। अपने आप को हर कोई बहुत बुद्धिमान और बहुत समझता है चलाक, लेकिन रियलिटी यही है, दुनिया की रियलिटी यही है जो मैंने बताई है, फ़र्क, एक ही इंसान फ़र्क करता है लोगों में, एक जगह उसकी सोच अलग है, दूसरी जगह अलग है, और अपने आप के लिए अलग है, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो गई है, दिन में ओनली 7 to 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, रात को 2-3-4, आज तो 4 डिग्री है सिर्फ, इतना कम टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड हो गई है। तो आप बताना सभी
ज़्यादा तो नहीं है, मेरी जितने भी मेरी ऑडियंस मुझको सुनती है, जितने भी हैं कमेंट करने वाले, आप बताना आप कहाँ कहाँ से हो। मेरे को तो पता ही नहीं है कौन कहाँ से कहाँ कहाँ से हो, आपके वहाँ मौसम कैसा है ना बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो गई है, बहुत हवा ऐसी है कि चीर के निकलती है आपको, इतनी ठंडी हवा है बाबा, बाहर जाने को दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, काम पर जाना ही पड़ता। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब के लिए बाय बाय।